हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी फॉर यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने पोस्ट स्क्रिप्ट फिल के बारे में सीखा था और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कलर के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर के एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसमें मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर मैं आकर के ये सारे फिल हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर केवल लास्ट बचा है कलर। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूँ नो फिल क्या होता है। नो फिल पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो जो भी फिल है उसको ये रिमूव कर देगा। तो इसका यूज हम लोग नो फिल के लिए करते हैं। और अब हम वापस आते हैं, वापस आने के बाद यहाँ पर करते हैं क्लिक कलर पे। तो कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी कलर डॉकर मिल जाता है और इस डॉकर में हम लोग कोई भी कलर बना सकते हैं खुद से और जो बने हुए हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला है CMY। CMY पहला होता है सियान, ये आपको जो कलर दिख रहा है ये सियान है, और ये मैजेंटा है, और एक एलो है। तो सियान, मैजेंटा, एलो, ये तीन कलर मिलके बना है। अगर मैं यहाँ पर अगर ले आऊँ तो ये यहाँ पर इसको देखो कम कर रहा है, यहाँ पर अपोसिटी इसकी डाउन हो रही है तो ये कम है। अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे 255 यहाँ पर अगर मैं कर दूँ तो ये 255 मैक्सिमम होता है और 0 मिनिमम होता है किसी भी। अगर मैं यहाँ पर लाऊं तो देखो ये कम हो रहा है, 0 है, 0 में वाइट कलर आता है। और अगर मैं 255 कर दूँ, इसको भी अगर मैं 255 कर दूँ और इसको भी अगर मैं 255 कर दूँ तो ये ब्लैक कलर बन जाएगा। देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर मैं फिल कर दूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर फिल है तो फिल पर क्लिक करूँगा तो ये फिल हो जाएगा, और अगर आउटलाइन पर क्लिक करूँगा तो आउटलाइन में वो कलर फिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आकर के रेड कलर को आउटलाइन कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो देखो ये आउटलाइन में कलर फिल हो गया है। तो इस तरह से ये फिल हो जाता है। आउटलाइन को भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके यहाँ से मैं कर लेता हूँ 1 और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सियान, मैजेंटा, एलो तीनों को मैं कम कर देता हूँ तो ये वाइट कलर बन जाएगा, और इसको अगर ज़्यादा करेंगे तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें CMY के, इसमें चार कलर को मिला करके एक कलर बनाया जाता है। इन चारों को सियान है, मैजेंटा, एलो है और की है, और इनको भी अगर हम लोग ऐसे मूव करेंगे तो मूव करके कोई भी कलर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये मेन कलर जो फिल किया था ये वो है, और ये अभी जो हम लोग बना रहे हैं नेक्स्ट कलर ये वो है। और यहाँ पर आपको देखें तो यहाँ पर मिल जाता है RGB। RGB क्या होता है, वही रेड, ग्रीन, ब्लू। देखो डिजिट मेनली हम लोग दो कलर यूज करते हैं, CMY के करते हैं और RGB करते हैं, बकाया ये सारे कलर हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर बात करें HSB का क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये है हमारा ह्यू और ये सैचुरेशन और लास्ट है ब्राइटनेस। तो ये ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस तो ये नॉर्मली मिल ही जाती है, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वैसे कलर में नहीं आते हैं, ये कलर को मॉडिफाइड तो करते हैं लेकिन जो मेनली कलर होते हैं वो RGB और CMY के ही होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ CMY के की, तो CMY के यहाँ से अगर क्लिक करके हम लोग ले सकते हैं और यहाँ पर कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। यहाँ पर जो पहला आपको दिख रहा होगा आई ड्रॉपर टूल, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। और अगर आप वेबसाइट से लर्न कर रहे हैं तो आप पहले इसको देख ही चुके होंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जाइए और वेबसाइट freestudyforyou.com की वेबसाइट पर जा करके और वहाँ से इसको लर्न करिए तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको क्विज भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल के लिए वीडियो भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यूट्यूब पे तो आपको केवल वीडियो देखने को मिलेगी, तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि वहाँ से विजिट करके आप लोग इसको देखें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्लिक करने की, तो क्लिक करके हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये आई ड्रॉपर से यहाँ इसको ले लिया है, और लास्ट में अगर हम देखें तो ये हेक्सा वैल्यू है। हेक्सा वैल्यू अगर जैसे हम बात करें 00 की, यहाँ से मैं कर देता हूँ हैज और 000 और एंटर करता हूँ तो एंटर ये हो चुका है। अगर मैं फिल कर देता हूँ तो फिल करने के बाद आप देखेंगे इसमें ये आ गया है। तो जो 00 कलर होता है वो होता है हमारा ब्लैक, और अगर हम बात करें FF की तो FF कलर होता है हमारा वाइट।
देखो 0 0 से देखो 0 में क्या होता है, कोई भी कलर इसमें नहीं है, तो कोई भी कलर नहीं रहेगा तो क्या करेगा। यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर आने के बाद, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये 6 आ रहे हैं, यहाँ पर 2 0 फिर 2 फिर 2, तो पहला जो है ये है, ये ज़्यादा ही जूम हो गया है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि अच्छे से ड्रॉ हो पाए। पहला जो है ये है रेड, और दूसरा है ग्रीन, और तीसरा है ब्लू। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ और कंट्रोल डब्लू। अब व्हाइट पेज ले लिया है, इस व्हाइट पेज पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो कलर दिख रहा था वो दिख रहा था आपको हैज, हैज के बाद था 0 0 और फिर था 0 0 और फिर था 0 0। तो यहाँ पर जो पहला जो है ये है रेड, और दूसरा है ग्रीन, और तीसरा है ब्लू। ये RGB कलर, ये RGB कलर से मिलके बनता है, ये 0 0 में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और इसको जितना बढ़ाएंगे वो रहेगा, और अगर हम इसको FF ले लेंगे तो ये वाइट हो जाएगा, अगर तीनों को FF कर देंगे तो ये वाइट हो जाएगा, और अगर जैसे मैं RGB में दे दूंगा। इस पर मैं एक डिस्क्रिप्टिव में वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, इसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोग कलर के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। कलर के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। यहाँ पर आप इतना ही जान लीजिए, ये 00 जो है ये जो, जैसे अगर हम हेक्सा वैल्यू लेते हैं तो उसमें हैज तो डिफाइन करने के लिए होता है कि हेक्सा वैल्यू है, और आगे के जो 00 होते हैं वो रेड के लिए होते हैं, ये ग्रीन के लिए और ये ब्लू के लिए होते हैं। ओके, तो वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद इन सब को हम लोग देखेंगे। तो RGB, अगर यहाँ पर मैं FF ले लेता हूँ, हैज करने के बाद FFF, और अगर मैं फिल कर देता हूँ तो ये वाइट कलर फिल कर देगा, और अगर मैं 0 करूँगा तो उस तरह से ये कर देगा, और अगर जैसे मुझे चाहिए मैं हैच कर देता हूँ और 0 0, और मुझे ग्रीन चाहिए है और फिर 0 0, तो अब ये ग्रीन फिल कर देगा, मैं फिल करूँगा तो ये ग्रीन आ जाएगा। तो इस तरह से हेक्सा वैल्यू भी इसकी होती है, और हम फिल कर सकते हैं, मेनली RGB कलर फिल होगा। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर पैलेट मिल जाती है, तो कहीं पर भी हम लोग क्लिक करके इसको फिल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर आपको इसकी हेक्सा वैल्यू दिख रही होगी, तो हेक्सा वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें RGB की वैल्यू तो वो भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है 255, और तीनों की 255 होती है, और इन तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद 70.77 मिलियन के समथिंग कलर बन जाते हैं। तो इन्हीं RGB से हम लोग कलर बनाते हैं, तो इसमें ये है। और अगर लास्ट ऑप्शन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये कलर को दे देता है कि कलर कौन सा है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कोई कलर लेता हूँ तो इसमें ये कलर की वैल्यू दिखाता है कि ये कितना परसेंट है, तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, और बकाया तो इसमें कुछ है नहीं। और अगर आपको चाहिए है कि मैं इस पर डिस्क्रिप्टिव में वीडियो बनाऊँ कलर के ऊपर, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं एक डिस्क्रिप्टिव में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कलर क्या है और किस तरह से हम लोग कलर को चूज करें। तो इस क्लास में इतना ही है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।